लो जी दोस्तों, तो हिस्ट्री दोबारा बनने जा रही है और साथ साथ एक ऐसी कहानी बनने जा रही है जो कि आप सभी को खुद भी पता है। अब तीसरा भी ट्रेलर इन्होंने दिखा दिया भाई, मूवी देखने से पहले एक और ट्रेलर दिखा दिया कि भाई हाँ अब मूवी क्यों देखने जा रहा है। अब ये ट्रेलर इन्होंने इतने बड़े इवेंट के अंदर ऑर्गेनाइज कराए कि इतने सारे लोगों को किसी चीज से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ राम भगवान से प्यार है, उनको सिर्फ हमारे हनुमान जी से प्यार है, क्योंकि उनको देखनी ही सिर्फ एक पुरानी कहानी है, चाहे दूरदर्शन की बनाई हुई है ये कहानी है जो कि विदाउट एनी एक्शन थी, तो इसको एक्शन में शो करने वाली एक कहानी आदि पुरुष यानी कि रामायण की कहानी जो कि हमारे सामने आने वाली है। हालांकि लास्ट ट्रेलर इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने इतने बड़े इवेंट के अंदर इसको बिना किसी इतने बड़े लेवल में इसको प्रेजेंटेट कराया। कितने करोड़ों लोग थे, कितने लाखों लोग थे मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि लोगों को पसंद आया। अब ये प्रभास की फैन फॉलोइंग है, ये तो आप मूवी के अंदर जाकर पता लगेगा, लेकिन हाँ आज हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स लेकर आए उसको देखेंगे आप, क्योंकि अब उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि मूवी को 4-5 दिन की बाकी है। और सबसे बड़ी बात मैं पूछना चाहूंगा कि सोना कहाँ है, और ये आदि पुरुष की टीम ने इतना चालाकी से गेम खेली, ना कोई गाना रिलीज करा है, ना कोई म्यूजिक रिलीज करा है। एक गाना रिलीज करा था राम सिया राम, वो भी इतना अच्छा वाइब में चला गया, कुछ भी दिखा नहीं रहे हैं दोस्तों। सिर्फ 3 ट्रेलर दिखाए हमें कि भाई मूवी इतनी एक्साइटेड है और ऐसे ऐसे मूवी चलेगी, लेकिन भाई क्या मूवी की स्ट्रेटजी है मुझे भी नहीं पता। लेकिन एक स्ट्रेटजी मुझे जरूर समझ आई कि VFX और CGI को कैसे हाइड करना है। भाई हाल फिलहाल तो भाई इतना सुनने में आया कि तमिल वर्जन को बनाने में इनको 126 करोड़ लग गया, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने ये नहीं ध्यान दिया कि क्या नाम है फाइटिंग स्किल रात में कर दी। भाई VFX और CGI की गलतियों को छुपाने के लिए उन्होंने सारी लाइट को बंद कर दिया। अब लाइट को बंद कर दिया तो अब पकड़ेगा ही कौन, किसको दिखेगा ही क्या। और सबसे बड़ी बात, हनुमान वाले वो जो तीर वाला सीन है वहाँ पे उन्होंने VFX बहुत अच्छी कर रखी है। तो भाई तिरुपति के इस बिगेस्ट इवेंट के बाद इन्होंने अब मुंह दिखाई करने है सीधा, और मुंह दिखाई तो हमें टिकट्स लेने के बाद ही होगी, और क्या क्या उसके अंदर निकलेगा तो यहाँ वहाँ सीट पे बैठने के बाद पता लगेगा दोस्तों। अभी तक के इस ट्रेलर के रिव्यू में इतना ही। वी आर रियली एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पिक्चर।